नमस्कार दोस्त। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यूरोपीय आगमन। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लिया और पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग टॉपिक यूरोपीय आगमन पर आते हैं। और यूरोपीय आगमन में ये देखने का प्रयास करते हैं कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उस प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, किस तरीके से पूछा जा रहा है और कहाँ कहाँ से आ जा रहा है। यदि इस चीज पे हम लोग गहन अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे पढ़ने का जो रणनीति है वो एक खास तरीके से होगी। जैसे सबसे पहले कहीं पर भी यदि यूरोपीय आगमन का हम लोग अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि ये क्यों आए, खोजने का प्रश्न हम लोग यह खोजेंगे कि ये यूरोपीय हमारे यहाँ क्यों आए। कुछ तो खास होगा आने के पीछे, कुछ तो खास होगा। फिर उन्हीं में हम लोग देखेंगे कि क्या खास था उस यूरोपीय में। उसके बाद जो गवर्नर बनकर के आए उस गवर्नर का क्रम क्या था, फिर गवर्नर की पॉलिसियां क्या थी, फिर उनका प्रभाव क्या रहा हमारे भारत में और उनकी पॉलिसियां क्या थी, नीतियां क्या थी। इन सभी का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो हमें दिए गए कितने भी प्रश्न, किसी टाइप के प्रश्न आएंगे तो वो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और इसी क्रम में आज संक्षिप्त शुरुआत हो रही है कि ये यूरोपीय हमारे यहाँ क्यों आए। सवाल ये उठता है पहले कि ये हमारा भारत, ये भारत मेरा जो समृद्धि से भरा हुआ, और यूरोपीय देश जो हैं, हालांकि यूरोप के साथ हमारा कई वर्षों से, पुराने समय से ही भारत और यूरोपीय के बीच संबंध रहा है, लेकिन मध्यकालीन भारत में जब ये हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं कि ये यूरोपीय क्यों आए, तो उस समय जो हमारे पास जो व्यापारिक गतिविधियां थी, व्यापारिक गतिविधियां जो भी होती है, जब भी होती है, या तो स्थल मार्ग के थ्रू होगा, स्थल मार्ग के द्वारा होगा, और नहीं तो जल मार्ग के द्वारा होगा। और उस समय स्थल मार्ग का कनेक्टिंग होता था, ये फारस की खाड़ी है ना, अरब सागर, और ये काकेकस पर्वतमाला, यहाँ पे काकेकस पर्वतमाला, इन सभी के बीच कहीं ना कहीं भारत और यूरोपीय के बीच जुड़ाव था। लेकिन उस जुड़ाव में 1453 में कस्तुतुनिया एक जगह है ना, कस्तुतुनिया एक जगह है, उनका पतन हो, कस्तुतुनिया पे जो है शासन हो गया। और उस शासन क्रम में ये यूरोपीय का रास्ता अवरुद्ध हो गया। कौन सा? अरब की खाड़ी हो या भूमध्य सागर हो या लाल सागर हो, ये सभी रास्ता का अवरुद्ध हो गया। इन रास्तों के अवरुद्ध हो जाने से जो स्थल मार्ग था वो स्थल मार्ग दोनों के बीच बंद हो गया, और बंद हो जाने के क्रम में यूरोपीय